गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक नंबर। नंबर क्या होते हैं? नाउन का वह रूप जिससे उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे नंबर कहते हैं। जैसे कि आपने बचपन से पढ़े हुए हैं सिंगुलर और प्लूरल, जिसे बोलते हैं सिंगुलर मतलब एक वचन और प्लूरल मतलब बहुवचन। फर्स्ट है सिंगुलर नंबर। एक वचन से केवल एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान का बोध होता है उसे सिंगुलर बोलते हैं। मतलब जब हम एक की बात करते हैं उसे सिंगुलर बोलते हैं। और प्लूरल क्या होता है? जिसमें एक या एक से अधिक की बात होती है। बहुवचन से एक या अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं? प्लूरल बोलते हैं, बहुवचन बोलते हैं। उसके एग्जाम्पल्स क्या होगा? जैसे बॉय मतलब एक लड़का, बॉयज़। हॉर्स मतलब एक घोड़ा और हॉर्सेस बहुत सारे हो गए। चेयर, हैंड, और इसके प्लूरल क्या होगा? चेयर्स, हैंड्स, ठीक है, एटसेट्रा। सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में चेंज करने के कुछ रूल होते हैं। कैसे कैसे चेंज होते हैं? सामान्यतः सिंगुलर नंबर से जब प्लूरल नंबर बनाते समय नाउन के अंत में एस जोड़ देते हैं। मोस्टली हम क्या करते हैं, जब सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो उसके एंड लास्ट में क्या जोड़ देते हैं? एस लगा देते हैं। जैसे कि बॉय है, इसके लास्ट में क्या आ गया? बॉयज़। गर्ल है, इसके लास्ट में क्या आ गया? गर्ल्स। इसका रूल नंबर, काफ़ी सारे रूल है कि किसके पीछे क्या लगता है। जैसे कई वर्ड्स के पीछे ई एस लगता है, तो उसका रूल क्या है? रूल नंबर सेकेंड है, जिन नाउन्स के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एक्स, एस जेड, जेड एक्स आदि आए, उनका प्लूरल नंबर अधिकतर ई एस लगाने से बनता है। जैसे कोई वर्ड है बॉक्स, इसका लास्ट वाला वर्ड देखेंगे एक्स आ रहा है। एक्स हो मतलब लास्ट वाले ये वर्ड हो अगर लास्ट में, तो हमेशा क्या लगता है? ई एस लगता है। एक्स है तो ये हटा के हमने क्या लगा दिया? बॉक्सेस, मतलब हटाना नहीं है, बी ओ एक्स और ई एस लग जाता है। ऐसे बी यू एस एच, बुश, यहाँ पे एस एच है लास्ट में, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? ई एस, बुशेस। रूल नंबर थर्ड है इसका, ये रूल्स आपको लर्न करने हैं, कैसे कब ई एस लगता है, कब एस लगता है। रूल नंबर थर्ड है, यदि शब्दों के अंत में वाई हो और उससे पहले कोई वोवेल हो, वोवेल मतलब आपको पता है वोवेल क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू। लास्ट में वाई हो और उसके पीछे, उसके आगे जो है वोवेल हो, ओ ए ई आई ओ यू हो, तब हम क्या करते हैं? बस सीधा एस लगा देते हैं। वाई का वाई रहता है और एस का एस लग जाता है। जैसे बॉय का बॉयज़, मंकी एम ओ एन के ई वाई, वाई से पहले क्या है? ई, ई जो है वोवेल होता है, इसलिए मंकीज़, एस लग गया सीधा। रूल नंबर फोर्थ है, यदि शब्द के अंत में, वर्ड के लास्ट में क्या हो? वाई हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट मतलब वोवेल्स को छोड़कर, ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो भी अल्फ़ाबेट्स आएंगे उसे क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो प्लूरल बनाते समय वाई को किस में चेंज करते हैं? आई में, और पीछे क्या लगा देते हैं? ई एस लगा देते हैं। जैसे बेबी, वाई है, इसके पीछे क्या है? बी है, तो यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट है, इसका मतलब इसका प्लूरल कैसे बनेगा? बी ए बी, वाई हटा के आपको क्या लगाना है? आई ई एस लगाना है। ऐसे सिटी का क्या आएगा? सिटीज़, आई ई एस लग जाएगा वाई हट के। फिफ्थ रूल है, अगर वर्ड के लास्ट में एफ हो या एफ ई आदि हो तो प्लूरल बनाते समय एफ और एफ ई को हटा के क्या लगा देते हैं? वी ई एस लगा देते हैं। जैसे सी ए एल एफ, इसके पीछे एफ हटा दिया हमने, क्या हो गया? सी ए एल वी ई एस, एफ हटाने के बाद। ऐसे के एन आई एफ ई, नाइफ है, इसके पीछे एफ ई है, तो ये हटा के आप क्या लगाओगे? वी ई एस लगा दोगे। कुछ वर्ड्स का प्लूरल वोवेल के बदलने से बनता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका वोवेल कैसे बदलता है? जैसे ये एम ए एन है, तो इसका प्लूरल क्या होता है? एम ई एन, ए ई में चेंज हो जाता है। ऐसे ही टी डबल ओ टी एच, तो ये किस में चेंज होता है? टीथ में, डबल ओ जो है वो डबल ई में चेंज हो जाता है। कुछ वर्ड्स का प्लूरल ई एन या आर ई एन बनने से बनता है। जैसे कि ऑक्स है, ऑक्स के पीछे हम ई एस नहीं लगाते, ऑक्सन होता है, इसका प्लूरल ई एन लग जाता है पीछे। या फिर चाइल्ड है, चाइल्ड मतलब सिंगुलर और चिल्ड्रन मतलब प्लूरल हो जाता है, इसके पीछे क्या लग जाता है? आर ई एन। ये सारे रूल्स आपको समझने हैं और लर्न करने हैं और अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। थैंक यू।